हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के टाइम में हेयर फॉल होना नॉर्मल बात हो गई है। शैम्पू कंडीशनर ऐसे आते हैं जो बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाते नहीं है, बट बालों में 100 तरीके की बीमारियां कर देते हैं। बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो जाती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हो जाती है, समय से पहले ही बाल सफेद हो जाते हैं। और कुछ ऐसी डाइट आ गई है, आज की जनरेशन फास्ट फूड पर डिपेंड रहती है, हेल्थी खाना नहीं खाती है, जिसका प्रभाव उनके बालों पे पड़ता है। समय से पहले ही बाल बहुत ज्यादा सफेद हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बाल कमजोर हो जाते हैं, बाल इतने पतले हो जाते हैं। तो आज का वीडियो मेरी उन गर्ल्स के लिए है जो चाहती हैं कि उनके बाल घने, लंबे और काले हो, और उसके लिए वो सब कुछ ट्राई कर चुकी है बट उन्हें रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। कुछ टाइम पहले आपने मुझे देखा, आप मुझे काफी टाइम से देख रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाई थी, 2 या 3 साल पहले। उसकी वजह से मेरे इतने ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब बाल इतने झड़ रहे थे, नहाते टाइम बाल झड़ रहे थे, कंघी करते टाइम बाल झड़ रहे थे। और आप सबको पता है स्ट्रेटनिंग का जो प्रोसेस होता है वो कितना टफ होता है, बालों को खींचते हैं, बालों में आयरन करते हैं, जिस वजह से बाल इतने कमजोर हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कुछ टाइम पहले तक, तो मैं सोचने लग गई थी कहीं मैं गंजी नहीं हो जाऊं, क्योंकि मतलब ये देखिए कि आज के टाइम में 100, 100, 200 बाल टूटना तो नॉर्मल है। आप नहाएंगे तो बाल टूटेंगे, कंघी करेंगे तो बाल टूटेंगे, जरा से बाल दब गए तो बाल टूटेंगे। मतलब बाल इतने कमजोर हो गए हैं आज के टाइम में कि हर तरीके से, मतलब आप कुछ भी करो आपके बाल टूटेंगे। तो मैं खुद इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। हम स्कूल जाते हैं तो उस टाइम तो हमारे बाल बहुत ज्यादा घने लंबे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी हमारे बालों की केयर करती है, वो हमारे बालों में टाइम टाइम पे ऑयल करती है, टाइम टाइम पे बालों में मसाज करती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारा अपने तरीके से जीना स्टार्ट कर देते हैं। कभी बालों में तेल किया, नहीं किया, ऑयलिंग की, नहीं करी, कैसे मसाज करनी, क्या करना, कुछ भी नहीं करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बाल पहले तो इतने घने होते हैं, करते 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 पतली सी चोटी बनने लग जाती है। और कई गर्ल्स तो इस वजह से बालों को बिल्कुल ही कट करवा लेती हैं, उनको बिल्कुल शॉर्ट बाल अच्छे लगते हैं। बट गर्ल्स, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं शॉर्ट बाल, बाल तो लॉन्ग घने लंबे ही अच्छे लगते हैं। बट जब से मैंने ये हेयर ऑयल ट्राई किया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं किसी भी चीज का वीडियो बनाने से पहले मैं यही चाहती हूँ कि उस चीज को पहले मैं ट्राई करूं, उसके बाद मैं भी तो रिजल्ट देखूं कि हाँ वाकई है या नहीं है, या कोई भी प्रोडक्ट लिया उसका वीडियो बना दिया। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैंने जब इस हेयर ऑयल को खुद ट्राई किया, सच में मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि यार पहली बार मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे हाथ में कोई ऐसा हेयर ऑयल आया जो बिल्कुल भी केमिकल नहीं, जिसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है। मोस्टली मार्केट में इतने ऑयल हम यूज करते हैं, इतने केमिकल्स आते हैं, सिर्फ उसमें फ्रीग्रेंस ही दिखती है, जो कि बालों में फ्रीग्रेंस आती रहती है, उसका क्या करना। हमें ऐसा हेयर ऑयल चाहिए जो हमारे बालों को घना लंबा बनाए, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करे। तो मुझे वो सारी चीजें इस हेयर ऑयल में मिली है। इसका जो हेयर ऑयल है ये प्योर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है और इसे हाथ से बनाया गया है। इसका जो प्रोसेस वगैरह है वो सब हाथ से मिलकर बनाया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि इस हेयर ऑयल को किस तरीके से बनाया गया है। तो गाइस, आपने देखा इस हेयर ऑयल को कैसे बनाया जाता है, मतलब कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, नेचुरल जो फूल्स वगैरह और जितनी भी चीजें होती हैं सबको मिक्स करके इस हेयर ऑयल को बनाया जाता है, जो हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है। मार्केट में इतने हेयर ऑयल आते हैं, सब बेकार है, सब नकली है, सब में कोई ना कोई केमिकल्स रहता है। कोई भी आपको इस तरीके से प्रोसेस नहीं बताएगा कि इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि वो कभी आपने देखा सिंथोल हेयर ऑयल आ जाएगा, कभी कौन सा हेयर ऑयल आ जाएगा। तो इस टाइप के हेयर ऑयल में ना तो आंवला होता है, ना अरीठा होता है, ना कुछ एलोवेरा होता है, बट ऐसे ही मशीनों के द्वारा तैयार कर दिया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है, जिसकी प्राइस भी कम रखी जाती है, तो जिस वजह से लोग ज्यादा खरीद लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, गंजे होने लग जाते हैं। तो गाइस, ऐसा हेयर ऑयल यूज कीजिए जो आयुर्वेदिक हो, जो हमारे बालों की प्रॉब्लम्स को दूर करे, जो हमारे बालों की प्रॉब्लम्स को दूर करे, बालों को काला घना लंबा बनाए। मोस्टली गाइस, सबकी यही प्रॉब्लम्स होती है कि समय से पहले बाल टूट रहे हैं,
बाल सफेद हो रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो रहा है, इचिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है। हम यही सब चीजें बालों में देखते हैं। और दूसरी बात, हमें हमारे बालों को बड़ा करना है, हम हमारे बालों को किस तरीके से बड़ा करें, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। इसको यूज करने के बाद आप मुझे खुद कहेंगे कि वाकई दीदी ये असर करता है और वाकई बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कैसा है। तो मैं इसको आपको लगाने का तरीका भी बताती हूँ कि किस तरीके से इसे आपको अपने बालों में लगाना है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। और आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप सप्ताह में दो बार भी ऑयलिंग कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको इसे लगाना है। सो गाइस, मैं आपको हेयर ऑयल को लगाने का तरीका बताती हूँ किस तरीके से इसे आपको लगाना है और बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। हेयर ऑयल की मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस तरीके से पैक करके दिया, जिससे क्या है कहीं पर भी अगर हम ट्रैवलिंग में बाहर जा रहे हैं तो हमारी बॉटल वगैरह एकदम गिरे नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा है। ये इतना प्योर है कि मुझे लगाने से पहले मतलब गिरे नहीं, ज्यादा सोचना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है। अगर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत सी गर्ल्स के साथ होती है। और आपको पता है डैंड्रफ की प्रॉब्लम क्यों होती है? हम ये प्लास्टिक वाले कॉम यूज करते हैं, जिस वजह से बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। और इन हेयर ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साथ लकड़ी के बने हुए प्योर सीसम के कॉम साथ में है, जिससे अगर आप कॉम करेंगी, जिससे अगर आप बालों में कंघी भी करेंगी तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, इचिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके बाल उलझेंगे नहीं। ये जो नॉर्मल कॉम हम करते हैं इनसे बाल कितने ज़्यादा उलझ जाते हैं, बट इनके कॉम से बिल्कुल भी बाल उलझेंगे नहीं। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये कॉम से कंघी करना बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े से में ये पूरे बालों में लग गया, सो आप देख सकते हैं, और चिपचिपापन भी नहीं होता है। तो गाइज, आपने इसको लगाने का तरीका देखा, इस तरीके से आपको इसे लगाना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो आप शैम्पू करने से दो या तीन घंटे पहले भी इसे लगा लीजिए, जिससे ये आपके बालों में अच्छे से लग जाए और बालों को सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ बनाए। सो मुझे तो ये बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। और इसे आपको मार्केट से इधर उधर से नहीं खरीदना है, क्योंकि इसकी कई कंपनियाँ हैं जो नकली भी नाम से इसको बेच रही है। फिर आप मुझे कहेंगी इधर से खरीद लिया हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो गाइज, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, कैश ऑन डिलीवरी है, आप वहीं से ऑर्डर कीजिए जिससे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, तो वहीं से आप इसे लीजिए। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।